हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो आज है धनतेरस। धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं। आज जो ये वाला व्लॉग है ये धनतेरस से एक दिन पहले का था। मैं सारे गेट साफ़ कर रही थी और मैंने इनसे ज़बरदस्ती करके ये चेयर वगैरह धुलवाई थी, क्योंकि आज से थोड़ा सा काम बंद हो गया था तो सारी चीज़ें ना बाहर रखी रखी भी ख़राब हो रही थी। तो हमने पोंच करके इनको जो है अंदर रख ली थी। गेट सारे मैंने साफ़ कर दिए थे जितने हो पाए, क्योंकि अभी उनमें सीमेंट वगैरह लग रही है ना तो उतने साफ़ नहीं हो पाते। तो जितने हो पाए मुझसे मैंने उतने गेट साफ़ कर ली थी, सारे कर लिए थे जो भी गंदे हो रहे थे ना, बट अब उतने हो नहीं पाए। तो बाकी जितनी भी बाहर चीज़ें रखी थी ना, कुछ सोफ़े रखे थे और टेबल वगैरह चेयर वगैरह रखी थी, वो भी पोंछ पाछ के धो धा के अंदर रख ली थी। फिर अब मिट्टी विट्टी आज थोड़ा सा मुझे सहूलियत मिली थी मिट्टी से, तो मैंने सोचा चलो ये न्यू चादर जो है वो न्यू बेडशीट बिछा देते हैं, काफ़ी अच्छा है, ऐसा ही और मैं लाऊँगी। बाकी तो दो थोड़े से मैंने हैवी दे रखे हैं, तो ये मैंने सोचा चलो कल धनतेरस तो आज ही थोड़ा सा नया नया बिछा देते हैं, कल थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। तो ये देखिए सारा घर को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, जितना हो पाया मुझसे उतना मैंने जो है वो सेट कर दिया। ये रूम भी कर दिया है थोड़ा सा सेट, बाकी दिवाली वाले दिन और कुछ नया लगा देंगे। पर्दे वर्दे अभी मैंने कुछ भी नए नहीं लिए, क्योंकि ना ही टाइम है और ना ही अभी लगाने का बन रहा था। तो ये इलू वाला भी मैंने थोड़ा बहुत सेट कर दिया, और ये देखिए सारा कुछ सेट हो चुका है लगभग। और जो रूम बढ़वाया था उसको भी थोड़ा सेट कर दिया, क्योंकि सामान तो जो मिट्टी में भरा पड़ा था वो अंदर लाना ही था। तो मैंने कहा चलो दिवाली है तो सेट भी कर देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, ये नौटंकी और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी आज 11 तारीख है, समय हो चुका है 4:20। एक घंटे से मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि यार आज सुबह 5 बजे से लेकर लगातार मैं शायद 3 बजे तक काम किया है बिना रुके, पूरे घर को सेट किया और फिर पपड़ी वपड़ी तली और ये आज गए ये ऑफिस से आई, मतलब काम से गए तो वरना ये जब होते तो घर फैला रहता है। नहीं सच्ची में वो एक तार कहीं लैपटॉप कहीं चार्ज कर रहे हैं, वो कहीं चार्ज हो रहा है, उसका तार वहीं फैला रखा है, इसलिए तो अब भी थोड़ा सा साफ सुथरा उनके आते ही वापस से गंदा हो जाने वाला तो ना अभी काफ़ी कुछ काम हो गया, गेट वेट सब साफ़ कर लिया अब जितना हो पाया, क्योंकि कलर भी बाहर भी नहीं हो पाया कल धनतेरस है। तो ना बस अब मैं सोच रही हूँ एक दो काम और कर लूँ जो भी बच रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करें, या तो एक दो चीज़ें और बना लूँ, गुजिया या मावा वगैरह, होममेड मावा से ही बनाऊँगी, और या फिर इधर उधर कोई एक आध रंगोली बना लूँ, लेकिन जो बैठ गई तो फिर मैं उसी पे बैठ जाऊँगी, है ना उठती नहीं मैं लगातार करती हूँ, तो इसलिए मैं कमर से भी करने लेटी, व्लॉग को एडिट किया, व्लॉग को डाला, क्योंकि कल गया नहीं था, मेरा मूड ऑफ था, इसलिए आज अब घर से आया था तो मूड थोड़ा सा ठीक है। कैसा लग रहा है इलू घर से आया था तो इसलिए अंदर आ रहा हूँ, फरमा रहे अच्छे साफ बेड पे ये देखो यार साफ हो गया थोड़ा सा तो चलो यार अभी काम भी नहीं होने वाला तो यार साफ ही रहेगा, तो मैंने तो सेट कर दिया है, कल थोड़ा बहुत इधर उधर और जमा जचा लेंगे और आराम से अब काम करेंगे, और फिर चलो बाद में मिलते हैं, चाय पिए क्या, चाय पीऊँ मैं, ये तो नहीं पीती, तुझे कुछ खाना पीना है ऑलवेज हाँ फूड लवर ये बहुत बड़ी फूडी है तो चलो यार देखते हैं, मैं अपनी कमर सीधी करने के लिए चाय वाय बनाऊँ, क्योंकि आज ये तो आएंगे 8 बजे करीब आएंगे, दोपहर वाला कहीं गए हैं। चलो तो बस थोड़ा सा चाय बनाने आई हूँ, इन लोगों को कुछ दूंगी तो वो ये एवाती और अगर अन्न कूट के लिए निकाल देती हूँ इसमें, है ना, और बाकी ये सब कल दे थे, अभी और देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, लेकिन मेरे बैक में बहुत तेज पेन हो रहा है क्योंकि कल रात 2 बजे सोई थी और आज मैं 5 बजे उठ गई और तब से 3 बजे तक मैंने काम किया, तो ये सब तो हो गया है, अभी चिवड़े और सोचू तल दूंगी, तो बस 3 चीजें तो हो जाएंगी, है ना। पहले चाय पी लेते हैं ताकि थकान उतरे थोड़ा सा,
तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेरी बनी थी ना, मैंने तल ली थी दोपहर को, वो मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की थी, तो ये सारी जो चल गई थी, ठंडी हो गई थी, रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, तो उनको डब्बों में भर के रख दूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, आपको बताया मैंने बहुत कम 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 बनाया है, ताकि जल्दी से ख़त्म भी हो जाए और ज़्यादा खाने में ना आए। तो बस ये मैदे की बनाई, बेसन की बनाई, और अब मैं बना रही हूँ होममेड मावा। तो मैं थोड़ा सा गीला वाला मावा चाहती हूँ, तो एक चम्मच मैंने लिया है घी, और ये मैं लूँगी दूध, और ये है मिल्क पाउडर। दूध मैंने लिया है 1/4 कप और मावा लिया है 1/2 कप, तो आप उसके अनुसार क्वांटिटी कर लेना। मैंने एक चम्मच घी में 1/4 कप जो है दूध डाल दिया है। दूध जब मिक्स हो जाए घी और दूध और उसमें उबाल आ जाए, तो तब हमें डाल देना है मिल्क पाउडर। और अगर हमें थोड़ा टाइट मावा चाहिए तो उससे भी थोड़ा कम दूध डाल देना है ना। तो मुझे थोड़ा गीला वाला चाहिए था, तो ऐसे करके फिर इसको मिक्स कर लेना है। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, तो लम्स नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। फिर ये देखिए थिक होने लग जाएगा थोड़ी ही देर में, 2 से 3 मिनट में ही ये थिक होने लगता है, और ये मावा जो है वो बन जाता है मिल्क पाउडर का। यहाँ पे हो चुका है ये गाढ़ा, थोड़ा सा और करूँगी और फिर इसको मैं बंद कर दूँगी। तो ये मैं नारियल का बुरादा लिया है मैंने 3/4 कप, ठीक है। इसको भी आज मैं भून रही हूँ, वरना भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं गुजिया बनाती हूँ मावा और ये क्या होता है नारियल के बुरादे से, तो मैं दोनों ही मिक्स करती हूँ 1/2 क्वांटिटी में। मावा मेरा बन चुका है, ये भी थोड़ा सा वो कर देंगे, भून देंगे। उसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बिल्कुल वाइट ही रहना चाहिए। वो तो मैंने ऐसे ही कढ़ाई गर्म थी तो कर दिया। तो ये चीज़ें रूम टेम्परेचर पर आती हैं, मावा और नारियल का बुरादा। तब तक मैं चिवड़ा जो है वो डीप फ्राई कर लूँगी, वो वाली नमकीन भी मैं बनाती हूँ। 5 चीज़ें तो मेरी फिक्स ही होती हैं, उसके बाद मैं ऊपर की बनाती रहती हूँ। लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे ये चिवड़े तल दूँगी और बस मूंगफली को भी तल दूँगी, और ये नमकीन जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर उसमें मिक्स कर दो मसाले जो भी हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, टाटरी, अमचूर, चाट मसाला, जितने भी आप डालना चाहो, जैसे भी टेस्ट आप बनाना चाहो वो सब डाल सकते हैं रूम टेम्परेचर पर आने के बाद। तो यहाँ पर चिवड़ा को मैंने फ्राई कर दिया था। यहाँ पे बस अब मैं मावा लूँगी, नारियल का बुरादा लूँगी। मुझे ओनली मावे वाली गुजिया पसंद नहीं है, नारियल का बुरादा होना तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये सारा मावा मैं डाल दूँगी, नारियल का बुरादा डाल दूँगी। मेरे पास चीनी का पाउडर बना हुआ पड़ा था, और उस पर ही मैंने इलायची डालकर पीसी हुई थी, तो इलायची का टेस्ट भी उसमें था। तो इसमें चीनी का पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, और बस जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे कि काजू हुआ, किशमिश हुआ, वो डाल देंगे, तो हमारी गुजिया बन जाएगी। अब 2 रेसिपी होगी, वैसे सबको आती है ये सब बनानी, लेकिन मावा भी हो गया है और गुजिया भी हो गई, 2 रेसिपी, ठीक है। और बिल्कुल छोटा सा व्लॉग मैं आपको दे रही हूँ, तो यहाँ पे काजू और किशमिश मैं डाल दे रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे, फिर आटा लगा लेंगे मैदे में थोड़ा सा मोयन डाल करके, और फिर उसको गूँथ लेंगे। गूँथ करके जब आटा बन जाएगा तब गुजिया बेल लेंगे, और मतलब पूड़ियाँ बेल लेंगे, और पूड़ी बेलने के बाद बस गुजिया जैसे कि बनती है वैसे बना लेंगे गुजिया की मशीन से। आप इसी से लौंग लतिका भी बना सकते हैं इसी चीज़ को भर के, ठीक है। तो बेलो पूड़ी, उस पे ये स्टफिंग डाली और चारों तरफ से फोल्ड करके लौंग लगाई, और लौंग लतिका हमारी बन जाती है। तो यहाँ पे तो मैं गुजिया बना रही हूँ, तो बस जैसे बनती है गुजिया वैसे बना लेंगे। ये व्लॉग आ जाएगा तो हम यही बोलेंगे कि आज यानी कि 12 को कविता जी की बेटी भक्ति का बर्थडे है, वो 5 साल की होने वाली है। तो भक्ति को मेरी तरफ से और हमारी पूरी YouTube फैमिली की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भक्ति, हैप्पी बर्थडे भक्ति। तो चलो इलू भक्ति के लिए सॉन्ग गुनगुनाते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bhakti, happy birthday to you। तो
भक्ति के साथ ही भक्ति के पेरेंट्स को भी भक्ति के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार भक्ति के लिए।